ये है मेरे पापा, देखिए इनसे आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। तो हम लोग पीठ पीछे आए हैं अपने मायका घूमने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि भाभी नहीं है घर में ना, इसीलिए हम पूरा घर पे राज करने के लिए आए हैं। हाँ नहीं तो दीदी, इसलिए हम लोग पीठ पीछे आए हैं घर में खाने के लिए। हो गई अपने मायके, हम लोग आए अपने मायके पीठ पीछे घर में राज करने के लिए। तो रहती है तो कोई राज नहीं होता हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप कोर्स अच्छे ही होंगे, अगर अच्छे नहीं हैं तो भगवान करे आप सब 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 अच्छे हो जाए, है कि नहीं? आज देखिए हम कहाँ आए हैं, जानते हैं आप लोग? जानते ही होंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम हर एक ब्लॉग वीडियो में अपना घर दिखाए हैं, तो ये घर भी दिखाए हैं और यहाँ का भी ब्लॉग वीडियो अपलोड हम किए हैं। तो पहचानिए कि हम कहाँ आए हैं। तो हम अपने मायके आए हैं, हाँ अपने घर। तो हम अपने मायके आए हैं और पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये धूप में आए हैं, झुलस सा गए हैं हम। हाय रब्बा, तो अपने मायके आए हैं। देखिए यहाँ कौन कौन आई हुई है, चलिए मिलवाते हैं। हेलो विवेक, तो ये है मेरा छोटा भाई, हमसे छोटा, विकलांग है, गूंगा है, बोलता नहीं है और बीमार भी है। देखिए हेलो कर रहा है आप सबको, उसका हाथ काम नहीं कर रहा है इसीलिए, है ना विवेक? हेलो बोली, हेलो। देखिए ये अपने दिल से हेलो बोल रहा है और ये इमोशनल भी हो गया है। तो देखिए मेरा भाई इमोशनल हो गया है क्योंकि ये अपना वित पूरा कर रहा है। ये हम लोग आते हैं तो ये बहुत खुश होकर क्या इमोशनल हो जाता है। विकलांग है लेकिन सारा बात समझता है, गूंगा भी है। मेरी मम्मी के जाने के बाद जो है ना ये पूरा से विकलांग बढ़िया से हो गया है, है ना? अब बोलता नहीं है लेकिन समझता है। विवेक इधर देखिए, हाँ देखिए समझ रहा है, आप सबको देखिए कितना अच्छा से देख रहा है। विवेक खाना खा ली रे, विवेक इसका नाम विवेक है, खाना खा ली? हाँ खा ली। देखिए इसको जो है ना सो चमकी का जो है ना सो वो आता था तो इसीलिए गिर गिर के इसका चेहरा हो गया है। ये हमसे छोटा है, सिर्फ 2 साल छोटा है। तो हम आए हैं अपने मायका और मेरी भाभी गई है वो अपने मायका, क्योंकि मेरी भाभी का भाई का जो है सो शादी है, तो इसीलिए मेरी भाभी जो है अपने मायका गई है। भतीजा भतीजी भी नहीं है घर में, तो इसलिए वो अपने मायका गई है घूमने के लिए। तो हम लोग पीठ पीछे आए हैं अपने मायका घूमने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि भाभी नहीं है घर में ना, इसीलिए हम पूरा घर पे राज करने के लिए आए हैं। हाँ नहीं तो भाभी रहेगी तो राज नहीं ना मिलेगा, है कि नहीं? इसीलिए भाभी के पीठ पीछे आए हैं अपने मायका में। और आई हुई है एक और दीदी, आई हुई है, हाँ नहीं तो अभी मिलवाते हैं। अर्नब के साथ हो गया है मजाक, अर्नब के साथ इसे मजाक कैसे हो गया है? क्योंकि हम अर्नब को जो है ना पकड़ के लाए कि चल अर्नब चल वहाँ चल घूम लिए, और यहाँ आया है तो शांतनु जो है से पहले से यहाँ से गायब हो गया। अब अर्नब बेचारा मुरझित होकर के यहाँ पड़ा हुआ है, देख लीजिए। हाँ क्योंकि अर्नब वहाँ मैच देखता तो फिर इसलिए इसको पकड़ के लिए आए ना, तो इसीलिए देखिए अर्नब के बाल, ओ माय गॉड अर्नब चुटकी बनाओ, चुड़को चोटी बनाएंगे तुम्हारा। ये देखिए मेरे मुच्छर भैया के, हाँ तो देखिए इनका मूछ देखिए, कुछ पहले चंदन लगाते थे पहले, और आप मूछ का तारीफ करिए आप लोग, हैं हम पहले ही तारीफ कर दिए, आप लोग की बारी है, तारीफ करिए। तो ये मिलिए मेरी गीता दीदी से, आपको काम धंधा है कि नहीं? जब देखो तब मैं काम आके बैठा रहती है आप, आए क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी है कि खाने के लिए आई है। ये देखिए देखिए काम कर रहे हैं, खाना ये देखिए धोती में कलर चढ़ेगा अब, है ना? क्योंकि ये कपड़ा लता जाएगा नवता पुराने, इसीलिए गीता दीदी आई है, गार्जियन का काम करती है, धोती रंगेगी नौता का सारा सामान तैयार करेगी, तब अपने छोटे भाई को विदागिरी करेगी, क्योंकि मेरी भौजाई तो पहले चली गई है, भौजाई का दायित्व कर रही गीता दीदी, इसलिए हम लोग पीठ पीछे आए हैं घर में खाने के लिए। गई अपने मायके, हम लोग आए हैं अपने मायके, हाँ पीठ पीछे घर में राज करने के लिए। तो रहती है तो कोई राज नहीं होता हम लोग को।
तो ये है प्रिया। गीता दीदी खुद तो आई है खाने के लिए, साथ में बेटी को लेकर के आई है, जैसे हम अपने बेटा को लेकर आए मतलब खैबो करेंगे, झोला भर के ले जाएंगे यहाँ से, है कि नहीं प्रिया? तो ये देखिए कैंची में तो धारे नहीं हैं, तो कट ही नहीं रहा है, ले लोटा के हसुआ से फरी हसुआ से ये है मेरे पापा, देखिए इनसे आप लोग पहले ही मिल चुके हैं। पापा के सिर से बाल उड़ गया है क्योंकि छुटका पड़ गया था इसके लिए। मेरे पापा न्यूज पढ़ के सुना रहे हैं, तो क्या है खबर? कौन चीज है खबर में? आग लग गया, धन ही नहीं जान भी जला, सब आदमी मर गया आग में। कैसे आग लगा है? फटाका छोड़ने से शादी में। तो देखिए शादी में फटाका छोड़ने से लगा आग, 6 की हो गई मौत, ये न्यूज है मेरे दरभंगा का ही। हाँ देख रहे हैं, जाइए आप लोग शादी में खूब फटाका छोड़िए, हैं लड़की के लाने के लिए जाइएगा कि फटाका छोड़ने के लिए। तो धूप बहुत तेज का उगा हुआ है, हैं अगर आप लोग भी अपने बच्चे को घर के बाहर घूमने के लिए जाने देते हैं तो वो सब बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी इतना तेज का धूप निकला हुआ है और साथ में जो है ना लू वाला जो है सो वो हवा चलता रहता है, तो अपने बच्चे सबको जो है ना घर में ही रखा कीजिए। और आप लोग कभी घर के बाहर अगर कोई काम नहीं है तो घर के बाहर आप लोग भी मत जाइए, क्योंकि ये हवा जो चल रहा है ना, इतना तेज का धूप है उसमें ये हवा जो चलता है वो उसी से लू लग जाता है, तो हमको भी लू लग गया है और मेरे घर में अंकिता को भी लू लग गया है। तो हम लोग क्या किए हैं, लू जब लग जाए तो क्या करना चाहिए, कच्चा आम को पका करके और पीना चाहिए। तो हम भी वहाँ यही काम किए, कच्चा आम को पकाए हैं और 2 दिन से वही पी रहे हैं, तो इसलिए लू का प्रभाव जो है थोड़ा कम हुआ है। फिर भी अपने मायके आए हैं घूमने के लिए, है कि नहीं? गर्मी छुट्टी हुआ है ना अभी, तो इसीलिए घूमने के लिए बस 2 दिन के लिए ही आए हैं, तो इसीलिए आप लोग को भी हम दिखा रहे हैं। और आप लोग भी देखिए, हम अपने मायके आए हैं और अपने पापा से हम मिला दिए हैं, है ना, सबसे मिलवा दिए हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ, कड़ाके की धूप है, कड़ाके की गर्मी है और लू वाला हवा चल रहा है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ। आप लोग से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना है, तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, मेरे ब्लॉग वीडियो देख पाए। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा और एक शेयर भी, है कि नहीं? मिलते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना नेट इशू बहुत होता है, घर में जो है ना नेट ही नहीं पकड़ता है, और तो हम वीडियो कैसे बनाएं, है ना, और वीडियो अपलोड करने में तो माय गॉड भारी मुसीबत। और ये देखिए पीछे क्या है, अगर आप लोग कंस सिमरी से अगर है मेरे मायके से तो बता सकते हैं कि पीछे क्या है। ये थाना है, ये सिमरी का थाना है, देखिए वो जो देख रहे हैं ना बड़ा सा बिल्डिंग छता वाला, वो थाना है, है ना। और हम जो है ना तो देखिए नेट पकड़ाने के लिए बाड़ी में आए हुए हैं, इधर पेड़ पौधा बहुत है और धूप भी ज़्यादा है, तो धूप में हम आ गए हैं, लेकिन पेड़ के नीचे है खड़ा और हवा भी अच्छा चल रहा है। वहाँ ये सब मिलता नहीं है, घर पे जहाँ हम रहते हैं दरभंगा में वहाँ ऐसा ताज़ा ताज़ा हवा नहीं मिलता है, ये पेड़ पौधा जो है सो वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ जो है ना घर पे ही घर, घर पे घर, घर पे घर, ऐसे जो है बड़ा बड़ा पेड़ नहीं है। फिर जाके ऐसे पीछे जो है तो देख रहे खेत है, ये खेत भी नहीं है वहाँ पे, और यहाँ सब है। देखिए और कितना अच्छा बैकग्राउंड है, सबसे अच्छी बात ये है, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात आज करना है और कहना हम ये चाहते हैं आप सबसे कि आप सबको दिल से दिल से दिल से दिल से थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए,
आप लोग बहुत सारा प्यार करते हो, बहुत सपोर्ट करते हो हमसे और मेरे फैमिली से भी। आप लोग का प्यार बहुत 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 सारा मिलता है हमको, इसके लिए हम बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है कि आप लोग इतना प्यार इतना सपोर्ट करते हो। और मेरे शादी के लेकर के आप सबके मन में सवाल फिलहाल नहीं है। हाँ, इंस्टाग्राम पे जो है ना सो वो सब फितूर की बातें बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है यूट्यूब चैनल पे आप लोग अच्छे तरह से आप समझ गए हैं और हमको अच्छे तरह से जान गए हैं, मेरे फैमिली को आप लोग जान गए हैं, तो आप लोग का गलत फहमी सारा दूर हो गया है। हम ये जानते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सारा ढेर सारा सच्चे मन से सच्चे दिल से हमको अपनाए हो आप लोग, इसके लिए हम भी दिल से आप लोग को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट हमेशा बना करके रखें और मेरे फैमिली मेंबर के बारे में आप लोग कभी भी बुरा ना बोले, है कि नहीं, क्योंकि आप लोग के बीच हम सारे बातें रखे हैं कि फैमिली मेंबर की सारे बातें रखे हैं, क्या है नहीं है मेरे लाइफ ज़िंदगी के बारे में सारे बातें रख दिए हैं, आप लोग को बता दिए हैं, तो इसके लिए आप लोग मेरे फैमिली पे जो उंगली कोई अगर गलत बोल रहे हैं वो सब ना बोले, क्योंकि आप लोग एक बात गलत बोलते हैं वो मेरे लाइफ पर पड़ता है, मेरे परिवार पर पड़ता है। आप लोग तो बोलने को कमेंट करते हो कि हाँ ये ऐसी वैसी, लेकिन वो मेरे रियल ज़िंदगी पे पड़ता है ना, तो इसीलिए कुछ लोग हैं, कुछ मेरे फ्रेंड होंगे यहाँ पे जो फितूर के बातें बोलते हैं, बाकी सब सपोर्ट करते हैं और दिल से आप लोग अपनाए हैं, इसके लिए हम भी दिल से दिल से दिल से दिल से थैंक यू। देखिए बकरी के बच्चा मैं कर रही है कौआ भी है, ओ माय गॉड, देखिए पेड़ पे इतना बड़ा पेड़ है। और ये अर्नब को देखिए मार करके गेंद, ये बांस गिरा दिया है, अलगनी तोड़ दिया है, देखिए इसका खचरा देखिए, देख रहे हैं। ये अर्नब जो आया है ना इसको मन नहीं लग रहा है, इसीलिए कुछ से कुछ कर रहा है, धूप में बौक रहा है इधर उधर, हम भी धूप में ही हैं तो धूप में रहने के कारण यही है कि नेट नहीं चल रहा है, इसीलिए घर छोड़ करके और यहाँ बाड़ी में पेड़ के नीचे हम हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ बने रहे इसके लिए दिल से दिल से दिल से थैंक यू। अभी हम मायके आए हुए हैं, अगर आप लोग कंसी सिमरी से हैं, मेरे भाई मेरी बहन मेरे चाचा मेरी चाची और मेरे दादा दादी और जो भी कोई है मेरे मायके से, तो फिर आप लोग कमेंट जरूर करिए, है कि नहीं, क्योंकि अभी हम कंसी सिमरी में ही है, मतलब मेरा घर है कंसी सिमरी, तो हम यहीं आए हुए हैं। तो थैंक यू एंड बाय बाय।